साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी देवी सिंह और मौनी बाबा के भंडारे में मुझे मेरे द्वारा एक ऐसे महान संत से मुलाकात की गई जिनके आप देख सकते हैं जो बाल हैं सिर के वो देखिए कितने बड़े हैं। ये देखिए, ये भी तपस्वी संत मालूम पड़ते हैं मुझे और तपस्वी संत ही होंगे। ये आप देख सकते हैं, उनका दृश्य में दिखा रहा हूँ। तो बाबा आपका शुभ नाम बताएंगे आप? हाँ, ये ऐसी पकड़ लीजिए। हाँ, दोबारा बताइए अपना शुभ नाम बताइए। हाँ जी जी, हाँ बोलिए आपका शुभ नाम। महात्मा नाम हमारे को मान मोहनदास जी कहते हैं। अच्छा अच्छा, मैं अखाड़े का मंत्री हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप रहने वाले वैसे कहाँ के हैं? हम रहने वाले तो जो है अयोध्या के जी। अयोध्या, अयोध्या के रहने वाले थे कि बाबा अयोध्या से आए हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। तो बाबा ये जो आपकी लटा है, ये आपके जो केस हैं, ये कब से इतने आपने पढ़ाए? 8-9 साल की आयु से महात्मा आया हूँ। बचपन से ही? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप का उद्देश्य क्या है इस क्षेत्र में कि जो संत बने आप, उसका कोई उद्देश्य हुआ? बाबा के में आए। अच्छा हाँ, ये मंदिर जो मौनी जी का बना हुआ है जी जी, ये आपके द्वारा ही निर्माण है। अच्छा जी हाँ, अच्छा अच्छा। अब कितनी उम्र है बाबा आपकी? आपके सामने मैं खड़ा हूँ। कितनी उम्र है? उम्र पूछ रहा हूँ। आपके सामने आप? हाँ, तो आपकी फिर भी 80 साल के आसपास तो होगी आपकी साथ। 80-85 साल है। हाँ, आप देखिए कितने उससे रहते हैं ये संयम से कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी 90 साल के आसपास इनकी उम्र है और इन बालों की भी देखभाल करते हैं और समय पे नहाना धोना और बालों की देखभाल भी करना है। जी 16 फुट की जटाएं, देखिए 16 फुट की। क्या आपका गिनीज बुक में नाम दर्ज तो नहीं है? जी गिनीज बुक में, मतलब विश्व में सबसे बड़ी बाल जो है लंबाई जी, ऐसा दर्ज तो नहीं कराया अभी आपने? इतने बड़े बाल तो मेरे ख्याल किसी के नहीं होंगे। अच्छा, तो ये देखिए ये भी संत हैं और इनसे मैंने आपको ये सब मुलाकात कराई। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, ये तमाम संत भक्त लोग हैं बाबा के, बाबा मौनी बाबा के, जो यहाँ आए हुए हैं भंडारे में। ये सब आप देख सकते हैं। मौनी धाम को हाँ विकसित करने में जी हमारे हाँ मौनी धाम को, हमारे पूजनीय मौनी धाम की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे पूजनीय महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, ये काफ़ी दिन पहले यहाँ आए थे, जिन्होंने पूरी तरह से चारों तरफ से लोगों का योगदान लेकर के अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हुए मौनी बाबा की प्रतिष्ठा को चारों तरफ फैलाया। अच्छा। इस आश्रम को इस लेवल तक लेकर गया है। इसमें वो इनका, महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम बस्ती बाबा की बहुत बड़ी आभारी है कि हमारे मौनी बाबा के आश्रम की उन्होंने इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो आपका साहब क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जगन्नाथ शर्मा है। और रहने वाले आप कहाँ? रहने वाला इसी गाँव का रहने वाला जी। तो देखिए मैंने आपको एक महान संत, ये बाबा हैं, इनके भी दर्शन कराए। ये देखिए कितना कितनी मेहनत करते हैं। देखो ये पूरे अपने बालों को, जटाओं को साफ सुथरा भी रखते हैं और उनका रखरखाव और सिर पर बांध करके बड़े अच्छी तरीके से, ताकि कोई किसी तरह का कोई दिक्कत न हो। ये भी संत हैं और इनका भी अपना उद्देश्य जन कल्याण का ही है, जनता के कल्याण के लिए संत बने होंगे। तो साथियों आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।